इतनी सारी स्नो पड़ गई है और जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ हो गया धोखा, सोटियाँ फट्टे सब मिल गए, लेकिन हमें आइडिया नहीं है करना कैसे है। गाड़ी की हालत क्या हो रखी है देखो। 2 hours to get to Fredericton. Good morning everyone. आज वो स्पेशल दिन है जहाँ पर आई एम गोइंग टू टेक तानिया फॉर अवर एनिवर्सरी स्पेशल गेटअवे। इतनी स्नो गिर चुकी है कि पहले हम लोग को सारी स्नो हटानी पड़ेगी जस्ट टू गेट आउट ऑफ द हाउस। रोड की कंडीशंस काफी खराब है। हम लोग यूज करते हैं 511 न्यू ब्रंसविक रोड कंडीशंस बताने के लिए कि हम लोग जा भी सकते हैं कि नहीं। तो विल डिले आवर लीविंग टाइम ताकि हम लोग वहाँ पर पहुँच जाए। इतनी सारी स्नो पड़ गई है। Oh my god, it's like a white snow outside. Ugh, I hate this. Okay. Yes! Mission 1 complete. फॉर द विंटर सीजन ड्राइवे क्लियर करने के लिए किसी को पूरे सीजन के लिए ही चार्ज मी $400 सब कुछ साफ कर देता है। कल रात को गराज के यहाँ तक पूरा पहुँचा हुआ था स्नो। कल रात को मैंने शवल करके उसे निकाला है। यहाँ पर कहीं इसके बीच में हमारा वॉकवे होता था जो घर के दरवाजे मेन दरवाजे की तरफ जाता था। आज वो वॉकवे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पर चला गया, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। हाँ, मिस्टर सिंह ने अपनी शवल निकाल ली है। मैं अभी आपको लाइव कमेंट्री देने वाली हूँ। बहुत मुश्किल का काम है, टाइम लगता है, थोड़ा सा रेस्ट लेनी चाहिए बीच बीच में, सांस लेते रहो। कनाडा में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट अटैक की वजह से वाइल्ड देयर शॉवरिंग स्नो, ये सच बात है, काफ़ी लोग पास अवे हो जाते हैं क्योंकि वो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि उनका हार्ट कितनी तेज़ बीट कर रहा है और लोग रेस्ट नहीं लेते हैं। तो मेक श्योर यू आर टेकिंग रेस्ट बीच बीच में एंड देन कीप कंटिन्यू शॉपिंग स्नो। मेरा हाथ क्यों आ रहा है बीच में? ओके, तो मेरे नाक में से पानी बह रहा है, वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। मैं दिखाने के लिए लाया था आपको कि अभी जो क्लियर किया हमने वॉकवे, ओके, ये पूरा भरा हुआ था। ये जो साइड साइड में जितनी स्नो देख रहे हो उतना तो इधर गहरा था। ये सब निकाल के अभी नीचे से ज़मीन दिख रही है थोड़ी सी, क्या ज़मीन आई हुई है भैया। आप बताओ किस किस को पसंद है स्नो? ऐसा रोज कौन करना चाहेगा ये बताओ। का लगाया था ना हमने, चलो आप कर दो। तो सारा काम हो चुका है आई थिंक, जितना भी कर सकते हैं क्योंकि और स्नो आनी है अभी। आई थिंक अनदर 7 to 8 सेंटीमीटर्स और स्नो पड़ेगी। बट अभी के लिए हमने क्या किया, हमने जो मेन वॉकवेज थे जैसे अभी यहाँ पे ताने चल रही है, यहाँ पे मेन वॉकवेज वाले थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया हमने ताकि थोड़ी सी जगह भी बनी रहे हमारे आने जाने के लिए। ऊपर का हमने सब कुछ क्लियर कर दिया एज यू कैन सी। इसका ये मतलब है कि इसको इतनी ज़्यादा भार नहीं होगा, इसके ऊपर कुछ गिरेगा नहीं। इट्स नॉट लाइक घर की रूफ, घर की रूफ में काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग होती है कि वो इतना वेट सपोर्ट कर सके। ये रूफ के ऊपर देखो कितनी सारी स्नो जमी हुई है। दीज रूफ्स आर केपेबल, ये गराज की रूफ है यहाँ पे, दे आर केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग दिस मच वेट, निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो ये वाली रूफ्स होती हैं ये तो खैर सन रूम है, इतना ज़्यादा इसके ट्रसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने अच्छे से बना नहीं है। आई सेड द वर्ड ट्रसेस पर पता नहीं मेरे मैकेनिक्स लोग मुझे बहुत मारेंगे। तो लाइक आई सेड और स्नो पड़नी है अभी। हम लोग अभी रेडी होते हैं थोड़ी पैकिंग करते हैं जाने के लिए फ्रेडरिक्टन। आई विल कीप अ लुक एट द रोड्स, अगर रोड्स ठीक होंगी तो हम लोग निकलेंगे, रोड्स नहीं ठीक होंगी तो फिर हमें थोड़ा प्लान करना पड़ेगा हम लोग कैसे करें क्योंकि हमारी बुकिंग सारी हुई पड़ी हैं। अभी तो खाएंगे पियेंगे और ऐश करेंगे। हाँ जी, ओके, वेरी गुड जॉब, कीप इट अप, प्लीज। तो जैसे तैसे करके हमने सब साफ सफाई कर दिया, हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। लोग थोड़ा सा पेट्रोल भरा लेंगे और थोड़ा पीने के लिए थोड़ा पानी वानी वगैरह हम लोग स्टोर से उठा लेंगे। बट असाइड फ्रॉम दैट 2 घंटे की जर्नी है, राइट तानिया? 2 hours to get to Fredericton, जहाँ पे मुझे मेरे पति जी सरप्राइज देने वाले हैं और मुझे पता चल जाए कि एनिवर्सरी स्पेशल है क्या। तो अभी तक सरप्राइज ही चल रहा है, एनिवर्सरी स्पेशल हम लोग करने जा रहे हैं वहाँ पे। सो विल सी यू गाइस इन फ्रेडरिक्टन।
हम लोग पहुँच गए फ्रेडरिकटन। हम लोग कल रात को पहुँच गए थे यहाँ पे अराउंड 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने खाना वाना खाया, रेस्ट की क्योंकि थोड़ी सी लंबी ड्राइव थी, और आज उठ के हम लोग जाने वाले हैं वो फन एक्टिविटी करने के लिए। अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे वो एक्टिविटी करने, एक्टिविटी करने के बाद हम लोग जाएंगे वापस। मेरा मिशी 2 घंटे की ड्राइव है, तो टुडे इज गोना बी अ रियली टायरिंग डे। अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वाओ लुक एट दिस, ये क्या है, ये कौन सी जगह आ गई है। पीछे नदी है जो फ्रोजन हो चुकी है, इट्स लाइक वाइट आउट हुआ पड़ा है। ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकी टाइम। हम लोग पहले भी आए ना ये होटल में? यस, आपको याद है कब आए थे? मुझे तो याद है, आई थिंक आपके बर्थडे पे आए थे यहाँ पे। यस, यू आर राइट, वी केम फ्रेडरिकटन तानिया के बर्थडे के लिए, और यही होटल में रुके थे हम लोग एक्चुअली। यस, और यही फ्लोर पे रुके थे हम लोग। या यही फ्लोर, यही भी फ्लोर पे रुके थे। यस, यही फ्लोर था। रिमेंबर द सीनरी? यू रिमेंबर क्वाइट अ लॉट। हमने यहाँ पे फोटोज भी खींचे थे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Is it here? Yeah, yeah, that's fine. Oh, coffee is ready. Love it when you get coffee in the morning. ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा खाना आ गया है, ज़्यादा नहीं खाया जा रहा। ऑलराइट गाइस, पेट पूजा हो गई है, तो ये सारी जो कैलोरीज हमने अभी खाई हैं उसको बर्न करने के लिए, एक एक्टिविटी करने के लिए हम जाने वाले हैं। अभी मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ तानिया के लिए कि हम लोग एक्चुअली मैंने क्या प्लान किया है ये एनिवर्सरी का सरप्राइज। तो तानिया, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। हम लोग जाने वाले हैं स्कीइंग करने के लिए। स्कीइंग करने जाने वाले हम लोग, तो स्की का रिजॉर्ट यहाँ पे क्रैब माउंटेन करके एक जगह है, विच इज अबाउट 45 मिनट्स फ्रॉम हियर। सो 45 मिनट्स का रास्ता है, हम लोग जाएंगे स्कीइंग। मैंने कभी पहले लाइफ में की नहीं है ताने। No, me neither. Yeah, तो हम लोग स्कीइंग ट्राई करने वाले हैं। Let's go. Just checking out this. How was your stay? It was good, thank you. Oh, now we're outside. It's so cold. Can't believe we're going skiing in this weather. It's gonna be a little too bad, right? Yeah, I'm sure they'll have some thermal wear for us. You have really high hopes, you know? Oh, really? Yeah, there's a lot of things we need to learn before we go there. Gaadi ki halat kya rakhi hai, dekho. हमने सबको देखा, सबने अपनी अपनी चीज़ें पहनी हुई हैं, और हमें लगा कि सब लोग अपने घर से लाए हैं। मैंने तो अपनी फटी हुई जीन्स पहनी हुई है, ऐसा है कि इसमें स्कीइंग तो नहीं हो सकती रहे। मेरे चश्मे फॉग अप हो गए हैं। आई थिंक गिरने वाले ही हैं, इट्स इनेविटेबल, गिरेंगे हम लोग। Okay, let's try it out. Rental चीज़ें लेते हैं पहले। यहाँ से rental चीज़ें मिल रही हैं भैया। You got Dwight is here as well. Dwight is in the house. Dwight, my favorite character. तो हमारे साथ हो गया धोखा। यहाँ पर rental में जूते और क्या मिल रहा है? Helmet, skis और जूते मिल रहे हैं। Helmet. और हमने जीन्स पहन के आ गए, तो हम लोग अब यहाँ पे गाड़ी में आए हैं। गाड़ी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा और हैवी विंटर वेयर पहनेंगे। या हम लोग कुछ ज्यादा फैशनेबल लग रहे थे, यू नो, ड्रेस्ड अप, ऑल डेक्ड अप नाइसली इन जीन्स, लेगिंग्स, बट हमें अभी लेयर अप करना पड़ेगा फॉर श्योर, बिकॉज इट्स कोल्ड। तो अभी लेयर अप होते हैं एंड देन लेट्स गो बैक देन देयर एंड गेट आवर रेंटल का सामान। ओके गाइस, सारी चीजें तो मिल गई हैं, हमें एक घंटा तो फिगर आउट करने में लग गया ये सब करना कैसे, इतना ताम जाम है। ये मेरे जूते है, देखो तानिया के जूते है, इतने जूते और सोटियां फटे सब मिल गए, लेकिन हमें आइडिया नहीं है करना कैसे है। अभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे क्या करना है। It's so difficult. Like, हम लोग को फंसी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हमको पीछे लोग हमारे पूरा इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे still we're still figuring out कि करना क्या है। It's tough guys, very tough. Struggles are real. Struggles are real. और ये जी new world class athlete. I'm trying to like get into the second one, but it's so I'm scared I'll fall. स्केट के फॉल कर जाएंगे मैडम। वो देखो पीछे कितना लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं बचपन से करते आ रहे हों, हमारे लिए इतना आसान नहीं है। ये भाड़े का सामान हम तोड़ फोड़ के जाएंगे लग रहा है आज। या दिस इज नॉट फॉर अस। या ये हमारे लिए नहीं है भाई। ओके, यू वांट टू ट्राई इट एटलीस्ट वंस पहन के?
Okay, use your hands to keep yourself in position, okay? I'm not. Huh? Use your hands to keep yourself in position. और तानिया दी ओलंपिक चैंपियन दोनों स्की पहन के निकल पड़ी है भाग मिल्का भाग तो द रीजन मैं नहीं हूँ अपने उन्होंने मुझे गलत साइज के स्कीज दे दिए हैं वो आंटी ने बोला कि जाके वहाँ पे अपने स्कीज बदल लो तो आंटी की बात सुन के हम लोग अंदर जाके मैं अपने स्कीज बदलूंगा अभी के लिए मैं तानिया को घुमा रहा हूँ थोड़ा सा थोड़ा क्या हो गया You have to like put so much pressure on your like the sticks to हाँ, stop yourself. क्योंकि अभी पैरों का coordination बना नहीं है तो इसलिए मैं लोगों को बोलूंगी हट जाओ मेरे रास्ते से जहाँ जा रही है स्कीज जाने दो जहाँ मैं जा रही हूँ but it's fun you guys should try this it's super cool it's cool like पहले तो लगता है कि ये क्या पहना रहे इतना सब कुछ it's difficult to wear and But it's fun. Okay, good. Good job. Get your skis. Yeah, I'm going to get my skis now. It's fun. It's best to get my skis. Yeah. How do you like your anniversary ka gift, Tanya? Oh, it's amazing. Amazing? Pehle lag raha tha ki hum log kya kar rahe. But like when you wear it and when you do this, it's fun. Okay, good it's job. It's different. It's different. Karna chahiye, adventures karna chahiye life. Kuch adventures karna chahiye life mein. Very nice. वाह जी वाह ये देखिए अभी तो एक्सपर्ट हो गई है तानिया देखो कितनी कितनी बढ़िया स्कीइंग कर रही है ओके इतनी सारी स्कीइंग करने के बाद हम लोग तो एग्जॉस्टेड हैं बट इतनी अच्छे से कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं है बट खाने की जगह है यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा सा कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं ठंड काफ़ी हो रही है ओके तानिया सो ओवरऑल हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस कैसा लगा अच्छे से सीख के कि हाथ कहाँ मारना है पैर कहाँ मारना है वो सीख के हम लोग अच्छे से बढ़िया यहाँ पे लेसन्स मिलते हैं अगर आपको स्कीइंग नहीं आती है तो यू कैन टेक लेसन्स देयर आर ट्रेनर्स अवेलेबल सो वो सिखाएंगे आपको आप लेसन ले सकते हो और It's open from 9 a.m. to 9 p.m. I think it's 9 a.m. to 4:30 p.m. I think I remember. Oh, 4:30. Sorry. Okay, wrong information. yeah. So next time, हम लोग आराम से time spend करेंगे. अभी हमें कल working day है, so we have to head back home. Yeah. All good. All right. So let's go head back to Miramichi.